हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथ सॉल्यूशन पर आज का हमारा टॉपिक है स्फेयर स्फेयर बेसिकली होता है एक थ्री डायमेंशनल शेप जिसे हम कहते हैं सरफेस ऑफ ए बॉल तो बॉल हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ ए स्फेयर बॉल है एग्जाम्पल ग्लोब ये सब हमारे क्या हैं इसफेयर के एग्जाम्पल्स हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैं ऑफ इस्फेयर की तरफ तो आज हम आपको बताएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कैसे ड्राइव करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है हमारा फोर बाई थ्री पाईर क्यूब तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है अब ये कैसे ड्राइव हुआ तो हम आपको इसको ड्राइव करके दिखाएंगे तो हम स्पेयर को ड्रॉ कर लेते हैं कार्टीशियन प्लेन में मतलब टू डी डायमेंशन में हम ड्रॉ करते हैं इस्फेयर को ये हमने ड्रॉ कर लिया है इस्फेयर टू डायमेंशंस में जिसे हम सर्कल कहते हैं अब हम इसका एक पोर्शन कट कर लेते हैं डिस्क शेप में जिसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो किसी भी फिगर का अगर हमें इंटीग्रेशन से वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना है तो हम उसका एक स्मॉल पोर्शन कट कर करते हैं जैसे कि हमने ये डिस्क काट लिया है जिसके हमने डायमेंशंस ले ली x और dy dy एक स्मॉल पोर्शन जिससे स्ट्रिप डलेगी और x है इसकी लेंथ इन एक्स डायमेंशंस तो ये हमने एक डिस्क कट कर ली है जिसको हमने सर्कुलर फॉर्म में करा है जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज्कल टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर है हमारा आर डिनोट्स रेडियस तो ये उस सर्कल का रेडियस है जो चेंज होगा वेरी होगा फॉम मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो अपवर्ड मूव होंगे तो ये डिक्रीज होगा और डाउनवर्ड होंगे तो इंक्रीज होगा अप टू ओरिजिन और ओरिजिन से नीचे मूव करेंगे जब हम नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो ये फिर डिक्रीज होगा तो हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोर्शन जिसे हम डिनोट करते हैं डी तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पाई एक्स स्क्वायर डी वाई जो हैमिस्फेयर है हमें निकालना है स्पेयर का तो हम इसे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हेमिसफेयर होता है हाफ ऑफ स्फेयर तो हम पूरे स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो हेमिसफेयर से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा पूरे स्फेयर का वॉल्यूम तो हम इसे डिराइव करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम हो गया हमारा टू पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो इसे हम बाहर ले सकते हैं और लिमिट हमने लगा दी इसकी जीरो से आर क्योंकि हम रेडियस जो है हमारा वेरी करेगा जो जीरो से आर तक तो मैक्सिमम ग्रेट सर्कल तक हमारा रेडियस वेरी करेगा तो जीरो से आर हमने लिमिट ले ली और इंटीग्रेट करेंगे हम एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं ऑन द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकल टू आर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा वन का इंटीग्रेशन वाई माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन पाई क्यूब अपॉन थ्री और इसकी लिमिट जीरो से आर तक तो अब हम इसे ड्राइव कर देते हैं और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं आर फॉर अपर लिमिट एंड फ्रॉम डाउन डाउन लिमिट के लिए हम जीरो पुट कर देंगे तो दोनों चीज़ें जीरो हो जाएंगी तो हमारा वॉल्यूम आ गया है टू पाई एंड टू पाई आर क्यूब तो ये आ गया हमारा फोर पाई आर क्यूब बाई थ्री तो ये हमने ड्राइव करा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा होता है फोर बाई थ्री पाय आर क्यूब अब हम पढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बेसिकली होता है टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी क्यों क्योंकि इस्फेर हमारा होता है पूरा एक स्मूथ सरफेस जिसे हम पूरे सरफेस को कर्ड पोर्शन ही कहते हैं तो पूरा पोर्शन स्पेयर का कर्ड होता है इसलिए हम कर्ड सरफ़ेस एरिया को टोटल सरफ़ेस एरिया से भी डिनोट करते हैं और सिंपली सरफ़ेस एरिया से भी डिनोट करते हैं तो कर्ड सरफ़ेस एरिया टोटल सरफ़ेस एरिया सरफ़ेस एरिया ऑल आर सेम इन केस ऑफ स्फेयर तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है फोर पाए आर और जिसे हम कहते हैं फोर टाइम्स द एरिया ऑफ ग्रेट सर्कल तो हमारा कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है फोर टाइम्स द एरिया ऑफ ग्रेट सर्कल अब ग्रेट सर्कल होता क्या है तो किसी भी सर्कल का जो डायमीटर से सर्कल फॉर्म होता है मतलब किसी भी बाउंडेड शेप जो जैसे स्फेयर स्फेयर को जो हम डिस्क की फॉर्म में कट करेंगे तो जो सबसे बड़ा सर्कल फॉर्म होगा वो कहाँ से होगा फ्रॉम डायमीटर तो डायमीटर पर सर्कल जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा ग्रेटेस्ट सर्कल तो ग्रेटेस्ट सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर्म form होता है फोर इंटू पाई आर स्क्वायर तो सरफेस एरिया हमारा हो गया फोर पाई आर स्क्वायर तो कर्ड सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया और सर्फेस एरिया ऑफ स्पेयर इज़ इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर तो हमारे इसफेयर का जो सरफ़ेस एरिया होगा वो होगा फोर पाई आर स्क्वायर तो कभी भी हमें इसफेयर में कर्व सरफ़ेस एरिया की बात की जाए, सरफेस, की जाए सरफेस एरिया की बात की जाए या टोटल सरफ़ेस एरिया की बात की जाए तो सभी क्या हैं सेम हैं तो इसलिए हम सरफ़ेस एरिया को फोर पाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के जिसका नाम है हेमस्फेयर हैमस्फेयर हैमी मीन्स सेमी और हाफ तो हेमिसफेयर हमारा होता है हाफ ऑफ स्फेयर तो इसे हम ड्राइव कर सकते हैं बाय सेम मेथड एज वी डिड इन स्फेयर तो हेमिसफेयर का वॉल्यूम क्या होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसे हम हाफ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर था फोर बाई थ्री पाय क्यूब जब हम इसे टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा टू बाई थ्री पाय क्यूब और हेमिसफेयर के केस में रेडियस और हाइट सेम होंगे क्योंकि हेमिसफेयर हमारा ग्रेटेस्ट सर्कल से कट होता है तो रेडियस और हाइट सेम इसलिए हम हाइट का यूज़ नहीं करते आर का ही रेडियस का ही यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ़ हेमिसफेयर हमारा हो गया टू बाई थ्री पाय आर क्यूब अब हम बढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया की तरफ हेम में हमारे स्मूथ कर्व नहीं होते हैं हमारा एक स्मूथ कर्व होता है जिसे कर्ड सरफेस एरिया कहेंगे और एक होता है पीस वाइज जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सर्कल फॉर्म होगा तो कर्ड सरफेस एरिया होता है हमारा हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर था हमारा फोर पाए आर स्क्वायर तो कर्ट सर्फेस एरिया हमारा हो गया हाफ इंटू फोर पाए आर स्क्वायर तो एरिया हमें मिलता है टू पाए आर स्क्वायर तो ये है हमारा कर्ट सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिसफेयर अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ ऑल सर्फेसिस तो हमारे हेमिसफेयर में होते हैं टू सरफेस जिसमें से एक है कर्ड सरफेस और एक है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ग्रेटेस्ट सर्कल से जो सर्कल फॉर्म होता है तो हम इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं अपना टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया हमें मिलता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए ग्रेटेस्ट सर्कल तो क्रॉस कर, कर्ड सरफेस एरिया हमारा था टू पाई आर स्क्वायर प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर तो हमारा तो टोटल सरफेस एरिया हो गया थ्री पाई आर स्क्वायर तो हेमिसफेयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है थ्री पाई आर स्क्वायर करड एरिया होता है टू पाई आर स्क्वायर तो ये है हमारे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा